أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون صدق الله العظيم. सूरह अल मोमिनून शुरू हुई थी और उसकी 16 आयतें हो चुकी हैं। आज 17वीं आयत से इंशाअल्लाह सबक शुरू हो रहा है। फरमाते हैं वलकद खलकना फौकुकुम, लिखें दलील अक्ली आफाकी नंबर दो, दलील अक्ली आफाकी नंबर दो। और तहकीक हमने बनाए तुम्हारे ऊपर, फौकुकुम सब तराइका, सात रास्ते हमने बनाए तुम्हारे ऊपर, सात रास्ते, रास्तों के साथ ब्रैकेट में लिखे यानि आसमान, इसलिए कि फरिश्तों की गुजरगाह है। जो आसमान है ये फरिश्तों की गुजरगाह है। हाशिए पर लिखें असबाब इबका का बयान, असबाब इबका, इसलिए कि आपके सामने तीन चीज़ें आई ना, इबका और फना और इआदा। इंसान वजूद में आता है, फिर फना होता है, फिर दोबारा पैदा होगा। तो दुनिया में जो हमारा इबका है तो उसके असबाब क्या है, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी रहे हैं, जिंदा हैं, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने आसमान से पानी बरसाया है, बारिश का, और उसी पानी की वजह से फिर फसलें उगती हैं, सब्जियां उगती है और हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। फिर तो हाशिए पे क्या लिखा, असबाब इबका का बयान। वमा कुन्ना अनिल खल्क़ गाफिलीन, और हम मखलूक से बेखबर नहीं है। खल्क के नीचे लिखे मखलूक, हम मखलूक से बेखबर नहीं है। वअनज़लना मिनस समाई माअं बिकदरिन, और हमने बरसाया आसमान से पानी, बिकदरिन एक अंदाज़े के साथ, अंदाज़े के साथ। ये भी अल्लाह पाक की एक मेहरबानी है कि बारिश अल्लाह पाक एक ऐसी तरतीब पे बरसाते हैं कि जो ज़मीन के लिए काफ़ी हो। अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो तबाही, कम हो तो हलाकत है। इसलिए आप देखें कभी कभी बारिशें ज़्यादा हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, असबाब हलाक हो जाते हैं, लोगों के लिए मामलात फंस जाते हैं। तो हमने आसमान से पानी बरसाया, बेकदरिन एक अंदाज़े के साथ, फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़, फिर हमने उसको ठहरा दिया ज़मीन में, ज़मीन में ठहरा दिया। अगर सारा पानी ज़मीन में जज्ब हो जाए तो भी हमारे हाथ नहीं आएगा, और सारा का सारा पानी ज़मीन के ऊपर खड़ा रहे तो भी फिर इंसान कहाँ रहेगा। तो कहीं पर पानी महफूज हो जाता है, कहीं ज़मीन के अंदर चला जाता है। और हमने उस पानी को ठहरा दिया ज़मीन में, वइन्ना अला ज़हाबिम बिही लक़ादिरून, और बेशक हम उसके ले जाने पर, ज़हाब ले जाने पर, दूसरा तर्जुमा मादूम करने पर, मादूम करने पर, लकादिरून कुदरत रखने वाले हैं। हम इस पानी को ले जाएं यानि ख़त्म कर दें, या इसको बिल्कुल मादूम कर दें कि आसमान से पानी बरसे ही नहीं, हम इस पर भी कादिर हैं। फ़ानशअना लकुम बिही जन्नातिम मिन नखील व अनाब, फिर हमने पैदा किए लकुम तुम्हारे लिए, बिही इस बारिश के पानी से, जन्नातिन बागात, मिन नखील व अनाबिन, किस चीज़ के, फरमाए खजूर और अंगूर के, इसलिए मिन के नीचे लिखे बयानिया। ये बागात किस चीज़ के होंगे, तो चूँकि फल तो अल्लाह पाक के बेशुमार हैं, लेकिन ये दो फिर बड़े कीमती हैं जो जन्नत में भी होंगे, खजूर और अंगूर के। लकुम फीहा फवाकिहु कफीरा, तुम्हारे लिए फीहा, हाँ के नीचे लिखे बागात, तुम्हारे लिए उन बागात में, फवाकिहु कसीरा,
ताज़ा मेवे हैं, फवाके। कौन से मेवे हैं? ताज़ा मेवे हैं। कसीरतुन, बड़ी तादाद में। वमिन्हा तकुलून, और उनमें से बास को तकुलून, तुम खाते हो। लेकिन खुश करके, क्या करके? खुश करके। तो आप जानते हैं कि बास फल ऐसे होते हैं कि जो फौरन खाने के होते हैं, वरना वो सड़ के ख़राब हो जाएंगे। और बाज ऐसे होते हैं कि जिसको इंसान स्टॉक कर सकता है, जमा कर सकता है। अब तो आप देखें दुनिया में आम का मौसम नहीं है, लेकिन आम स्टॉक होता है बहुत सारी चीज़ें। या फलों को आज खुश कर दिया जाता है, वो भी महफूज करने का एक तरीक़ा है इसका, समझ गए। वशजरतन तखरुजो, शजरतन से पहले महजूफ निकालें, अनशाना। क्या निकालेंगे? अनशाना। और हमने पैदा किया या हमने उगाया, शजरतन दरख्त। शजरतन की सिफत महजूफ होगी जैतूनतन। शजरतन की सिफत क्या है? जैतूनतन। और हमने उगाए दरख्त जैतून के, तखरुजो मिन तूरी सीना, जो के निकलते हैं तूरे सीना पहाड़ से। तूरे सीना, इसके नीचे लिखें पहाड़ से, इससे मुराद वही कोहे तूर का इलाका है, तूरे सीना। तो इस जगह पे चूँकि जैतून के दरख्त बहुत होते हैं, तूरे सीना में वहाँ हमने उगाए। अभी हम शाम में थे, वहाँ पर जैतून के दरख्त बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि शाम ये सरज़मीन अंबिया है, और इसी को अल्लाह पाक ने अर्ज़ मुबारक फ़रमाया है। तो इस ज़मीन में ज़रखेज़ी का ये आलम है कि दरख्त ऐसे सरसब्ज़ और हरियाले हैं कि इंसान की अक़ल हैरान हो जाती, और मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है, लेकिन माहौल बहुत सोगवार है। बात समझिए, एक बेचैनी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जुल्म इतना ज़्यादा हो चुका है मुसलमानों पर कि हद हो चुकी है। क़ुर्ब क़ियामत के सारे हालात चूँकि यही शाम में बनने, मैदान महशर एक रिवायत के मुताबिक शाम में कायम होगा, अदालत यहाँ लगेगी। मलहमा कुबरा जो क़ियामत से पहले की जो जंग अज़ीम है, वो इसी जगह गौता इलाका है, वहाँ पे होना है, वो पूरा तबाह हो चुका है। तो ये तूर सीना, ये शाम का वो हिस्सा है जो अब फ़लस्तीन के साथ लगा हुआ है। फरमाए हमने उगाए जैतून के दरख्त जो के निकलते हैं तूर सीना पहाड़ से। उसका एक पौधा भी हम लोग लेके आए थे वहाँ से, जैतून का। तम्बु तो बित दोहने व सिब गिल्ल आकिलीन, ये उगता है तम्बु तो, ये पौधा उगता है बित दोहने, रोगन के साथ, यानी तेल। दोहन कहते हैं किसको? तेल को। वसिबगिल लिल आकिलीन, और ये सालन है खाने वालों के लिए। इस जैतून के तेल की इफादियत ये है कि ये बयक वक्त खाने के लिए भी काम आता है, और ये बतौर जिस्म पर लगाने के भी काम आता है। हमारे यहाँ तो ये मिजाज खैर बहुत कम है, लेकिन अरब के यहाँ जैतून का तेल रोटी के साथ आम इस्तेमाल है सालन के लिए, और ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो दोहन किसको कहते हैं? रोगन को, तेल को, जैतून का तेल। और सिबगिन किसको कहते हैं? सालन को। तो एक पौधा है और इसी से उसका तेल भी निकलता है, और वो तेल सालन के भी काम आता है। وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, लिखें दलील अकली नंबर तीन, अनआमी। अनआमी का क्या मतलब होगा? चौपाए। ये ख्याल करें, इसको कोई इनामी ना पढ़ ले, यहाँ किसी इनाम का जिक्र नहीं, अनआम है, चौपाओं का तस्करा है। पर मैं बेशक तुम्हारे लिए फिल अनआमे, इन चौपाओं में, इन जानवरों में, लइबरतन मकाम गौर है। मकाम यानी इबरत का मकाम है। नुस्खी कुम्मा फ़ी बुतूनिहा,
हम तुम्हें पिलाते हैं मिम्मा फी बुतूनिहा, उनके पेट की चीज़ों में से, ये तर्जुमा होगा, उनके पेट की चीज़ों में से। इसलिए कि अगर आप ये तर्जुमा करेंगे कि जो कुछ उनके पेट में है वो पिलाते हैं, तो ख़तरनाक हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कि पेट में तो फिर बहुत ज़्यादा गंद बला भी है, तो पेट की चीज़ों में से, पेट में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसमें से एक अल्लाह पाक ने दूध का निज़ाम चलाया हुआ है, समझ में आ गए? तो वो दूध अल्लाह पाक के हुक्म और इजाज़त से हम पीते हैं। हम तुम्हें पिलाते हैं मिम्मा फी बुतूनिहा, उनके पेट की चीज़ों में से, यानी दूध। वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरा, और तुम्हारे लिए उन जानवरों में और भी बहुत सारे मुनाफे है, सवारी भी करते हो, उनकी खाल से भी फ़ायदा उठाते हो, ऊन से भी, चर्बी से भी, और वमिनहा ताकुलून, और उनमें से बाज़ जानवरों का तुम गोश्त भी खाते हो, गोश्त भी खाते हो बाज़ जानवरों का। वालैहा वालल फुल्क तुहमलून, अलैहा, हा ज़मीर अनआम की तरफ है दोस्तों, और इन चौपाए जानवरों पर, वालल फुल्क और किश्तियों पर, तुहमलूना, तुम सवार कराए जाते हो। क्या किए जाते हो? तुम सवार कराए जाते हो। देखिए, ये मजहूल का सीगा इशारा कर रहा है कि ये जानवर बाज़ दफ़ा ऐसे सख्त और सरकश होते हैं कि इंसान के काबू के नहीं होते, है ना? ऊंट कद में हमसे बड़ा है लेकिन छोटा सा इंसान इसको जाके ऊपर बैठ जाता है, तो मालूम हुआ अल्लाह पाक ने उसको तुम्हारे इख्तियार में दे दिया। अब किश्ती है और इतने ख़तरनाक पानी के मौजों में है लेकिन तुम जाके उस पर बैठ जाते हो, इसलिए कि अल्लाह पाक ने उसको मुसख़र कर दिया। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही, लिखे दलील नकली नंबर एक, और यकीनन हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनके कौम की तरफ। फ़क़ाल या क़ौम इबुदुल्लाह, क़ाल के नीचे क्या लिखेंगे? तबलीग नूह, यही लिखा है, तबलीग नूह। तो कौम से जाके क्या कहा? वकाल, फरमाया या कौम, ए मेरी कौम, उबुदुल्लाह, अल्लाह ही की बंदगी करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरो, नहीं है तुम्हारे लिए उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद, कोई माबूद नहीं। अफला तत्तकून, क्या तुम बाज नहीं आते? इसके नीचे लिखे अनिश्शिर्क, क्या तुम बाज नहीं आते किस चीज़ से? शिर्क से। फ़क़ाल अल-मलअ अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, लिखे इनाद कौम। इनाद कहते हैं ज़िद को। जब इन्होंने दावत दी तो कौम ने क्या कहा? फरमाए कहाँ अल-मलअ, मलअ किसको कहते हैं? सरदार। कहाँ सरदारों ने इनकी काफिर कौम के, जो इन काफिरों के सरदार थे ना, उन्होंने कहा, किसको कहा? मिन कौम ही, अपनी कौम से नहीं। वकाल अल-मलअ अल्लज़ीना कफ़रू मिन कौम ही, और कहा इनकी कौम के काफिर सरदारों ने, ये तर्जुमा है, कहा इनकी कौम के काफिर सरदारों ने। कौम ही के नीचे महजूफ लिखें लित्ताबिईना लहुम, यानि अपने पैरोकारों। इसलिए कि जो सरदार और बड़े लोग होते हैं तो ये अपने लिए क्या रख लेते हैं? पैरोकार रख लेते हैं, अपने मानने वाले रख लेते हैं। तो आप अगर गौर करें तो हर कौम के अंदर एक तबका ऐसा मुसल्लत तबका होता है, वो सरदार किस्म होंगे, वडेरे होंगे, खवानीन होंगे, तो वो क्या करेंगे? अपनी मातहती में कुछ लोगों को रखते हैं फिर, और फिर ये जो कहे तो मजाल है कि वो दुम हिला सके, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनकी कौम के जो काफिर सरदार थे नूह अलैहिस्सलाम के, उन्होंने कहा, किन से कहा? लित्ताबिईना लहुम, अपने पैरोकारों से कहा, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। अब अपने लोगों की जहन साजी कर रहे हैं कि कहीं वो पैगंबर की बातें सुनकर मुतासिर ना हो जाए, ईमान की तरफ ना आ जाए।
तो उनके जहनों में एतराज़ पैदा किए। अब वो एतराज़ क्या है, अब आप देखें। पहला एतराज़, मा हाजा लिखें, एतराज़ नंबर एक। एतराज़ नंबर, कहा मा हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो तुम्हारी तरह ही का एक बशर है। पहले उस पैगंबर के मकाम को नीचे करने की कोशिश की कि भई हम तो माने उसकी जो कम से कम हमसे तो ग्रेड में मर्तबे में ऊपर हो ना, हमारे ही तरह का बशर है, फ़र्क क्या है हम में और इन में। समझ गए, कहा वो तो तुम्हारी ही तरह का बशर है। यूरीद यतफ़ज़ल अलैकुम, जो चाहता है कि तुम पर फौकियत जतला दे। यतफ़ज़ल, क्या जतला दे, फौकियत जतला दे। वलौशा अल्लाहु लअन्ज़ल मलाइका, अगर अल्लाह चाहते तो फरिश्ते को उतार लेते। नूरानी फरिश्ता नहीं आया जी, तो जब फरिश्ता नहीं आया तो हम बशर की बात कैसे मान लें। तो पैगंबर की बशरियत बातिल से किसी ज़माने में हजम नहीं होती दोस्तों, उनको हमेशा नूरानी मखलूक चाहिए। कौन सी चाहिए, नूरानी, उनको नूरानी चाहिए। वो कहते हैं भाई हम अपने जैसे बशर की बात कैसे मान लें। एक एतराज़, मा समयना बेहाजा लिखें, एतराज़ नंबर दो। दूसरा एतराज़ ये किया कि हमने तो नहीं सुनी ये बात, फिया बा इन अव्वलीन, अपने पिछले बाप दादाओं से। हम जिन बाप दादाओं की औलाद हैं, जिनके नसब से हैं, हमारे बड़ों ने तो हमें आज तक ये बात नहीं बताई कि कायनात को बनाने वाला एक है, खालिक एक है, मालिक एक है, अल्लाह पाक एक है। हमने तो यही देखा कि वो भी हज़ारों को पूछते थे, सैकड़ों की इबादत करते थे, हम भी वही कर रहे हैं। समझ में आ गई, तो गोया के अपने गुमराह बड़ों की इत्तेबा में फंसे हुए थे। बात समझ में आ गई। इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्ना, एतराज़ नंबर तीन। फिर कहने लगे कि ये तो महज एक ऐसा शख्स है जिस पर जुनून है। जिस पर क्या है, जुनून, जिन्नतुन, इसकी जहनी कैफियत और हालत दुरुस्त नहीं है। फतरबसु बिही हत्ता हीन, लिहाजा इसका इंतज़ार करो एक वक्त तक, एक वक्त तक इसका इंतज़ार करो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पैगंबर की हैसियत को गिराने के लिए सरदारान कौम कहाँ तक चले गए। समझ गए, तक कई लोगों के जहनों में इनके लिए अकीदत और एहतराम ना आ जाए, वो इनकी बात ना सुन लें। तो जब अंबिया के साथ ये मामला है तो वारिसीन अंबिया के साथ क्या कुछ होगा। आज भी आप देखें यही बातें होती हैं, कई लोग ऐसा ना हो कि इन उलमा से जुड़ जाए, इनकी बातें सुन लें और सही और खैर के रास्ते पर आ। जिस दिन ये होगा तो फिर मुझे कौन सरदार कहेगा, खान कहेगा, बड़ा कहेगा, फिर तो हर एक अपना रास्ता नाप लेगा। बात समझ गए। قال رب انصرني بما كذبوا لك دعاء نوح, जब ये बातें सुनी तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ की। قال فرمایا رب انصرني بما كذبون, ए मेरे रब मेरी मदद फरमाइए, बवजह इसके कि उन्होंने मेरी तकजीब कर दी, मुझे झुटला दिया। लेकिन ये दुआ कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन ये बात हुई अगले दिन उन्होंने दुआ की, 950 साल का अरसा है। فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, अनिस्नाइ الْفُلْكَ, के आप एक किश्ती बना लीजिए। क्या बना लें, किश्ती बना लें, بِأَعْيُنِنَا, हमारी निगरानी में। हमारी, उस्ताद साहब तर्जुमा करते हैं रूबरू, हमारे रूबरू यानी आंखों के सामने। वहयना, और हमारे हुक्म से, और हमारे हुक्म से। फैजा जा अमरुना, बस जब आ जाए हमारा अमर, फैसला, फैसला किस चीज़ का, अजाब का। जब कौम पर अजाब का फैसला आ जाए तो उसकी एक निशानी क्या होगी, वफारत तन्नूरो, और जब के तन्नूर जोश मार दे,
तनूर क्या कर ले, जोश मार ले। अब तनूर का क्या मतलब है, आपने पढ़ा है तफसीर में, नहीं पढ़ा तो मुख्तसरन सुन लें। एक कौल ये कि तनूर से मुराद हकीकतन ये तनूर है जिसमें रोटियां बनती हैं ना, इसको तनूर कहते हैं। एक कौल ये है कि इससे मुराद है वजहुल अर्ज, वजहुल ज़मीन का ऊपरी हिस्सा, जब वो जोश मारने लगे ना। तीसरा कौल ये कि तनूर से मुराद है चश्मा, पानी का जो छोटा तालाब होता है ना चश्मा, वो मुराद है। ये एक अलामत अल्लाह पाक ने बताई कि जब ये कैफियत हो कि एक चश्मा है या ज़मीन का ऊपर का हिस्सा है या तनूर है जो भी है, फारा जब वो जोश मारने लगे या उबलने लगे तो समझ जाएं कि अब पानी का अजाब आ रहा है, ये एक अलामत होगी। तो फिर आप क्या करें, फसलुक फीहा, आप सवार करा दीजिए फीहा इस किश्ती में, मिन कुल्लिन, कुल्लिन के नीचे लिखें ऐ कुल्ले हैवानिन, कुल्ले हर जानदार का, हर हैवान का, ज़ौजैन इस्नैन जोड़ा नर व मादा, जोड़ा नर व मादा वो सवार करा दीजिए। इसलिए कि इस पानी के अजाब में तो सब जाएंगे, तो आगे तो दुनिया का निज़ाम चलाना है, तो एक एक जोड़ा इसके अंदर बिठा दीजिए। हर जानवर का एक एक जोड़ा कहते हैं वो इसमें सवार हुआ है, तो उनको भी ले आए, वह अहला का और अपने मानने वालों को भी। अहला का से मुराद घर वाले नहीं है, अपने मानने वालों को भी। इल्ला मन सबक अलैहिल कौल मिनहुम, सिवाय उनके जिन पर सबकत कर चुकी है बात। कौल के नीचे लिखें अजाब की बात, कौन सी बात, अजाब की, सिवाय उनके जिनके लिए अजाब की बात तय हो चुकी है। सबका, सबका का क्या तर्जुमा है, तय हो चुकी है। वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू, और मुझसे बात मत कीजिएगा ज़ालिमों के बारे में, यानी ये इशारा था कि कोई करीबी रिश्ता आपसे कटेगा, और वो करीबी रिश्ता कौन सा था, बेटे का था, बेटे का, किनान का। तो पहले से फरमाया कि ज़ालिमों के बारे में आप मुझसे कोई बातचीत नहीं फरमाएंगे। इन्नहुम मुग़रक़ून, बेशक वो सब के सब गर्क किए जाएंगे। फ़ैज़ इस्तवैता अंत व मन मअका अलल फुल्क, बस जब आप व मन मअका और जो आपके साथ हैं, इस्तवैता जब आप लोग अच्छी तरह सवार हो जाएं अलल फुल्क, किस में, किश्ती में, इस्तवैता। देखें अल्लाह पाक की इस पूरी कायनात के निज़ाम में कहीं जल्दबाजी नहीं, हालांकि कौम पे अजाब आ रहा है, पानी का आने वाला है, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह पाक ने इनको तरतीब क्या दी, इज़स्तवैता, जब आप लोग तसल्ली से बराबर बैठ जाएं, तसल्ली से बराबर बैठ जाएं किश्ती में। फ़कुल, फ़कुल लिखे वजीफ़ा बवक्ते सवारी, वजीफ़ा बवक्ते सवारी के वक्त का वजीफ़ा भी सिखाया। अब कौन सी दुआ पढ़ें, पर मैं ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी नज़्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तमाम तारीफ़ ख़ास है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें निजात दे दी इस ज़ालिम कौम से। वक़ुर रब्बि अंज़िलनी, लिखें वजीफ़ा बवक़्ते नुज़ूल, नुज़ूल किसको कहते हैं, उतरने, जब किश्ती से उतरेंगे ना तो फिर कौन सा वजीफ़ा पढ़ें, और उस वक्त कहें रब्बि अंज़िलनी मुनज़लम मुबारका, ए मेरे रब मुझे उतार दीजिए मुनज़लन ऐसी जगह पे, मुबारका जो कि बाबरकत जगह हो, बाबरकत जगह में उतार दीजिए। वांता खैरुल मुनज़िलीन, और आप ही सबसे बेहतरीन उतारने वाले हैं, यानी ठिकाना देने वाले, मुनज़िलीन ठिकाना देने वाले। इन फ़ी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इस वाक़े में, लआयातिन बड़ी इबरत की बातें हैं। वइन कुन्ना लमुबतलीन, इनके नीचे लिखे मुखफ़फ़ा, ये इन कौन सा है, मुखफ़फ़ा, और बेशक हम ही आजमाने वाले हैं, हम ही क्या है, आजमाने वाले हैं। सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़र्नन आख़रीन,
फिर हमने इनके बाद पैदा किया करनन आखरीन, दूसरा दौर। करन कहते हैं दौर को भी और जमात को भी, जमात को भी कहते हैं और दौर को भी कहते हैं। करनन आखरीन के नीचे लिखे कौम आद, कौम नूह अलैहिस्सलाम का मामला चला गया। अब अल्लाह पाक ने एक दूसरी कौम पैदा की, जमात, एक दौर पैदा किया। ये कौन सा है? कौम आद का। फ़ारसल्ला फ़ीहिम रसूलम मिनहुम, लिखे दलील अक्ली नंबर दो, दलील अक्ली नंबर दो। फरमाए फ़ारसल्ला फ़ीहिम रसूलम मिनहुम, फिर हमने भेजे उनमें रसूल, मिनहुम उन्हीं में से, फिर हमने भेजे फ़ीहिम उनमें रसूलन रसूल, मिनहुम उन्हीं में से। क्यों भेजे? अनेबुदुल्लाह, लिखे अन ऐ बे अन, अन से पहले क्या महजूफ निकलेगा? बा। ऐ बे अनेबुदुल्लाह, बे अनेबुदुल्लाह, ये पैगाम देकर कि तुम अल्लाह ही की बंदगी करो। समझ गए? हमने भेजे रसूल उन्हीं में से, बे अनेबुदुल्लाह, ये पैगाम देकर कि तुम अल्लाह ही की बंदगी करो। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद गैरो, अल्लाह के अलावा। अफला तत्तकून, तुम बास क्यों नहीं आते? वक़ाल अल्मलौ मिन कौमिहि अल्लज़ीन कफरू, लिखे इनाद कौम, इस कौम ने भी ज़िद दिखाई। वक़ाल अल्मलौ मिन कौमिहि अल्लज़ीन कफरू, कहा इनकी कौम के काफिर सरदारों ने, काफिर जो सरदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरा, जिन और जिन्होंने जुटलाया आखिरत की मुलाकात को। आखिरत की मुलाकात यानि आखिरत के दिन को जुटला दिया। वह अतरफनाहुम फिल हयात दुनिया, अतरफनाहुम के नीचे लिखे सबब गुमराही, सबब, ये सरदार, ये मला, ये गुमराह क्यों थे? फरमाया वह अतरफनाहुम, हमने उनको आसूदगी दी। क्या दी? आसूदगी दी, ऐशो इशरत का सामान दिया, ऐशो इशरत का सामान दिया। फिल हयात दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी में, ये कुछ कम मुसीबत नहीं है दोस्तों, ये ज़्यादा दुनिया आ जाए। ये हम तो ललचाते हैं और परेशान होते हैं कि कम है हमारे पास, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाए तो इसकी तबाही भी लामुतनाही होती। ये भी एक बड़ी नेमत है कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ एक अतदाल में रख कर दी हुई। हमने उनको आसूदगी दी इस दुनिया की ज़िंदगी में। तो इन्होंने क्या कहा? माँ हाजा, माँ के नीचे लिखे मकूला, क्या लिखेंगे? इनकी बात क्या थी इन सरदारों की? कहने लगे माँ हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, लिखे एतराज़ नंबर एक, वही बात। कहा ये तो नहीं है मगर तुम्हारी ही तरह का एक बशर, तुम्हारी ही तरह का एक बशर। क्यों? कहा याकुलु मिम्मा ताकुलूना मिन्हु, जैसे तुम खाते हो ये भी खाता है। वयश्रबु मिम्मा तश्रबून, जैसे तुम पीते हो ये भी पीते हैं। वलइन अतअतुम बशरम मिस्लकुम, अब अपने लोगों से कह रहे मातहतों से, ये सरदार वगैरह, कहा वलइन अतअतुम बशरम मिस्लकुम, अगर तुम लोगों ने इताअत की अपनी ही तरह के एक बशर की, अपनी ही की तरह के एक बशर की इताअत की, तो इन्नकुम इज़न लखासिरून, बेशक उस वक्त तुम सब के सब खसारे में आ जाओगे। तो बड़ा नुकसान है, बड़ा खसारा है कि हम नबी को बशर मान लें और बशर की इत्तेबा कर लें। अयईदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम, लिखें एतराज़ नंबर दो, इनकार क़ियामत, इनकार क़ियामत, ये दूसरा एतराज़। फिर कहने लगे अयईदुकुम, क्या ये शख्स तुमसे ये वादा करता है, क्या ये शख्स तुमसे ये वादा करता है
कि अन्नकुम इज़ा मित्तुम, के जब तुम मर जाओगे, वकुंतुम तुराबा व इज़ामा, और तुम्हारा जिस्म हो जाएगा मिट्टी, व इज़ामन और हड्डी, जिस्म रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, मिट्टी और हड्डी बन जाएगा। तो ये शख्स क्या कहता है कि अन्नकुम मुखरजून, बेशक तुम सब के सब निकाले जाओगे, तुम सब के सब निकाले जाओगे यानी क़्यामत के दिन, फिर दोबारा ज़िंदा किए जाओगे। हई हाता लिमा तुअदून, हई हाता के नीचे लिखे बाउदा, बाउदा दूर की बात की है, दूर की बात है। लिमा तुअदून, जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा, लाम के नीचे लिखे लाम ज़ायदा। ये लिमा का लाम क्या है? ज़ायदा है, इसका तर्जुमे में कोई हिस्सा नहीं होगा। फरमाए मा तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया जा रहा ना कि क़्यामत आएगी और ऐसा होगा ऐसा होगा, कहा हई हाते, बहुत दूर दूर की बातें, नहीं लगता कि ऐसा होगा। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया, फिर कहने लगे नहीं है मगर हमारी यही दुनिया की ज़िंदगी, नहीं है मगर हमारी यही दुनिया की ज़िंदगी है, यही सब कुछ है। नमूत व नहया, के हम मरते हैं और जीते हैं, मरते हैं और यानी एक दिन आता है, कोई पैदा होता है, एक दिन आता है, मर जाता है। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हमें दोबारा नहीं उठाया जाएगा, समझ में आ गए, हमें दोबारा नहीं उठाया, यही दुनिया की ज़िंदगी है। इसलिए आजकल लोग क्या कहते हैं, भाई चार दिन की ज़िंदगी है, मज़े कर लो, चार दिन की ज़िंदगी है। तो जाहिर सी बात है कि ये बात मुसलमान तो नहीं कह सकता कि चार दिन की ज़िंदगी है, इसलिए कि उसके बाद लामुतनाही ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी है। तो कैसे मज़े कर लो, मज़े तो वहाँ करने हैं बशर्ते कि इस ज़िंदगी में इंसान एहतियात कर लेगा। इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाही कज़िबा, लेकिन एतराज़ नंबर तीन, कहने लगे ये शख्स नहीं है मगर इन नाफिया है, ये शख्स नहीं है मगर रजुलुन, एक ऐसा शख्स, इफ्तरा अलल्लाही कज़िबा, जो अल्लाह की ज़ात पे झूठ बोल रहा है। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के पैगंबर को क्या बोला, झूठा बोला, ये अल्लाह की ज़ात पे झूठ बोल रहा है, और कहा वमा नहनु लहु बिमुमिनीन, हम इसकी बात मानने वाले नहीं हैं, हम इसकी बात मानने वाले नहीं हैं। قال رب انصرني بما كذبون, लिखे दुआए रसूल। कौम आद की तरफ कौन गए थे? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। दुआए रसूल, इन्होंने भी दुआ मांगी, रब انصرني بما كذبون, ए मेरे रब मेरी मदद कर, انصرني मदद कर, या दूसरा तर्जुमा है बदला ले, क्यों, بما كذبون, बस सब अब इसके कि उन्होंने मुझे झुठला दिया। قال عما قليل, लिखे इजाबत दुआ, इजाबत दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने फरमाया عما قليل, थोड़े से वक्त में, किस में, थोड़े से वक्त में, ليصبحن نادمين, ये लोग ज़रूर भी ज़रूर पछताने वाले होंगे, क्या वाले होंगे, पछताने वाले, शर्मिंदगी वाले बन जाएंगे। فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ, लिखे अंजामे मुखालिफीन, अंजामे इन लोगों का अंजाम क्या हुआ, फरमाया पकड़ लिया इन लोगों को अस्सैहा, एक ज़ोरदार आवाज़ ने, बिलहक़ इंसाफ के साथ, किसके साथ, इंसाफ के साथ एक ज़ोरदार आवाज़ ने इनको पकड़ लिया, यानी ये कोई इनके साथ बेइंसाफी नहीं हुई, बिल्कुल इंसाफ का मामला हुआ। तो एक ज़ोरदार चीख मारी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, फजअलनाहुम गुसा, फिर हमने कर दिया उनको गुसा, रेजा रेजा, क्या कर दिया, रेजा रेजा कर दिया। फबुअदन लिलक़ौमिज़्ज़ालिमीन, पस दूरी है इस ज़ालिम कौम के लिए, लेकिन अन रहमतिल्लाह, किस चीज़ से, अल्लाह की रहमत से दूरी। सुम्मान शाना मिम्बादिहिम कुरूनन आखरीन, लिखे सुन्नतुल्लाह,
सुन्नतुल्लाह, अल्लाह की आदत क्या है। अब अल्लाह अपनी आदत को बयान फरमा रहे हैं कि जब नाफरमान कौम हलाक होती है तो ऐसा नहीं कि दुनिया खाली हो जाएगी, उसकी जगह हम दूसरी कौम को ले आते हैं। कोई अल्लाह की ज़ात के लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वो ये कहे कि जी अगर मैं नहीं हुआ तो फिर कौन होगा, समझ गए। तो अल्लाह ने फरमाया सुम्मान शना मिन बादहिम, फिर हमने पैदा किए उनके बाद कुरूनन आखरीन, दूसरी जमातें, दूसरी बहुत सारी जमातें हमने पैदा की। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्ताखिरून, कोई उम्मत अपने वक्त मियाद से ना आगे बढ़ सकती है, वमा यस्ताखिरून न पीछे हट सकती है। अजल कहते हैं वक्त मुकर्रर, वक्त मुकर्रर, वक्त मियाद जो तयशुदा वक्त है, जिसके दुनिया से जाने का, मौत का जो वक्त तय है, उससे न एक मिनट पहले हो सकता है न एक मिनट बाद में हो सकता है। तो फरमाए कोई उम्मत तस्बिको, सबक यस्बिको के माने क्या आते हैं, आगे बढ़ना, न तो अपने वक्त से आगे बढ़ सकती है, वमा यस्ताखिरून, और न पीछे हट सकते। सुम्मार सल्ला रसुलना तत्रा, लिखे दलील नकली इजमाली नंबर तीन, दलील नकली इजमाली नंबर तीन, फिर हमने भेजा अपने रसूलों को तत्रा, लगातार लगातार रसूल भेजे। कुल्लमा जा उम्मत रसूलुहा, जब भी किसी उम्मत के पास उनके रसूल पहुँचे, यहाँ उम्मतन मफ़ूल मुकद्दम है, रसूलुहा फ़ाइल मुअख़्खर है। जब भी किसी उम्मत के पास उनके रसूल पहुँचे तो कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने क्या किया, अपने रसूलों को झुठलाया। उमूमी मिजाज यही रहा है उम्मतों का, उन्होंने अपने रसूलों को झुठलाया। फ़अतबअना बअज़हुम बअज़ा, तो हम क्या करते गए, हम यके बाद दीगरे हलाक करते गए। ये आसान तर्जुमा है, हम यके बाद दीगरे हलाक करते गए। बअज़हुम बअज़ा, बांस को बांस पर, ये यके बाद दीगरे इसका तर्जुमा हो चुका है। यके बाद दीगरे हम क्या करते गए, उनको हलाक करते गए। वजअलनाहुम अहादीसा, और हमने बना दिया उनको अफसाने। अहादीस का तर्जुमा क्या है, कहानियाँ बन गई। अब उनके तस्करे एक किस्से कहानियों के तौर पे होते हैं, अफसाने बन गए। फबुदल लिकौम ला युमिनून, हलाकत है इस कौम के लिए जो कि ईमान नहीं लाती, दूरी है, बुदन अल्लाह की रहमत से दूरी है इस कौम के लिए, ला युमिनून जो ईमान नहीं लाती। सुम्मा अरसलना मूसा व खाऊ हारून, लिखे दलील नकली नंबर चार, दलील नकली नंबर चार, फिर हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को, बे आयातिना अपने अहकामात देकर, व सुल्तान मुबीन और खुले मुअजज़े देकर, सुल्तान मुअजज़ा। कहाँ भेजा, इला फिरऔन व मलाइहि, फिरऔन और उसके सरदारों की तरफ, और उसके सरदारों की तरफ। इसलिए आप तफसीर उस्मानी खोलेंगे तो उसमें हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमा करते हैं काबीना, क्या तर्जुमा करते हैं काबीना, काबीना यानी जो मजलिस मुशावरत होती है, आज भी कहते हैं ना कि वज़ीर आज़म साहब ने काबीना से मशवरा किया, तो जो महल और दरबार के मुकर्रबीन होते हैं वो मला कहलाते हैं। तो फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, फस्तकबरू, लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया। वकानू कौमन आलीन, और ये एक सरकश कौम थी। आलीन के क्या माने, सरकश के माने, सरकश। फ़कालू अनुमिनु लिबशरैन मिस्लिना, लिखे इनाद कौम, कौम की ज़िद और इनाद क्या थी, कहने लगे अनुमिनु, क्या हम ईमान ले आए, लिबशरैन मिस्लिना, अपने ही तरह के दो बशर पे। यहाँ तो दो बशर थे ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, अपने ही तरह के दो बशर पर हम ईमान ले आए।
आगे कहा वक़ौमुहुमा लना आबिदून, जबकि इनकी कौम तो हमारी खादिम है। कौन मुराद थे? बनी इसराइल, है ना। एक तर्जुमा किया हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया वक़ौमुहुमा लना आबिदून, और इनकी कौम तो हमारी ग़ुलामी कर रही है। क्या कर रही है? ग़ुलाम। तो फिरौन ने बनी इसराइल को ज़बरदस्ती अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था ना, तो कहा वो हमारे ग़ुलाम है, और ये आके कह रहे हैं कि नहीं जी भाई आप हमें क्या कर रहे हो, मखदूम मान लो, हम तो नहीं मानते। फ़कज़्ज़बूहुमा, बस इन लोगों ने दोनों को झुठलाया। इन लोगों ने क्या किया? दोनों को झुठलाया। फ़कानू मिनल मुहलकीन, कानू के नीचे लिखे अंजाम तकजीब। अंजाम इस झुठलाने का अंजाम क्या हुआ? हो गए सब के सब मिनल मुहलकीन, हलाक होने वालों में से। वलकदा तैना मूसल किताबा, और तहकीक हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब। कौन सी किताब मिली? तौरात। किताबा के नीचे लिखे बादा हलाकिहिम, बादा हलाकिहिम, इस कौम की यानी फिरौनियों की हलाकत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को किताब मिली। लअल्लहुम यहतदून, ताकि ये लोग सीधी राह पर कायम रहे। यहतदून का क्या तर्जुमा है? ताकि ये लोग सीधी राह पर कायम रहे। तो आसमानी किताबें किताबें हिदायत होती है। वजअलना इब्ना मरियम व उम्मुहु आयतन, लिखे दलील नकली नंबर पांच, नंबर पांच, और हमने बनाया इब्ने मरियम को। इब्ने, इब्ने मरियम से मुराद क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, चूँकि ये अपनी वालदा से तवल्लुद हुए इसलिए उनकी निस्बत हमेशा अपनी वालदा की तरफ होती है। और हमने बनाया इब्ने मरियम को, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मिर्ज़ा ने दावा किया था, मिर्ज़ा क़ादियानी ने, कि मैं मसीह मौऊद हूँ। मसीह मौऊद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने क़्यामत से पहले आना है ना, वो मसीह मौऊद में हूँ, मिर्ज़ा ने कहा। तो उलमा ने इससे पूछा कि भाई उनकी वालदा का नाम तो क्या था? मरियम था। और मिर्ज़ा ने ख़ुद लिखा कि मेरी वालदा का नाम घसीटी बेगम था, घसीटी बेगम। तो कहा कि भाई फिर तो आप क्या हुए? इब्ने घसीटी हुए। तो क़ुरान ने इब्ने मरियम कहा है और वो इब्ने घसीटी है, ये हाल था इसका। और हमने बनाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को व उम्मुहु, और उनकी वालदा यानि हज़रत मरियम को क्या बना दिया? आयतन। लेकिन एक बड़ी निशानी अपनी कुदरत की, बड़ी निशानी अपनी कुदरत की बना दिया। व आवैना हुमा इला रब्वतिन, और हमने इन दोनों को ठिकाना दिया। इला रब्वतिन, एक टीले पर। रब्वा किसको कहते हैं? टीला, ऊंची जगह। अब ये टीला कौन सा है? एक कौल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस जगह पर विलादत हुई, पीछे सूरह मरियम में आप लोग पढ़ के आए, तो हज़रत मरियम चली गई एक ऊंची जगह पर और खजूर का दरख्त था, तो जिस जगह पर विलादत हुई वो एक ऊंचा टीला था, ये उसी की तरफ इशारा किया गया। बात समझ गए? एक कौल ये है कि रब्वा का मिज़दाक ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया, तो चूंकि यहूदी तो दुश्मन थे ईसा अलैहिस्सलाम के, और ताक में थे कि पता चले तो हम इनको कत्ल कर डालेंगे, तो इसलिए अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम जो है वो इनको लेकर चली गई थी मिस्र। कहाँ चली गई? और मिस्र जो है ये दुनिया के नक्शे में अगर देखा जाए, पूरा मुल्क मिस्र ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है। तो इस ऊंचाई को ताबीर किया गया किससे? रब्वा से, कि एक टीले पर। बात समझ में आ गई? बात समझ गए दोस्तों? ये है वह आवैना हुमा इला रब्वतिन, और हमने उन दोनों को ठिकाना दिया एक टीले पर। टीला समझ गए? ज़ाते करारिब व मईन,
जो कि ठिकाने वाला था और चश्मे वाला था। करार के नीचे लिखे ठिकाना और मईन के नीचे लिखे चश्मा। ऐसी जगह थी कि जहाँ पर क़याम भी हो सकता था, जहाँ पानी का इंतज़ाम भी था। या अय्युहर रुसुलु कुलु मिनत तय्यिबाति वअमलु सालिहा। लिखें दलील नकली इजमाली नंबर 6, दलील नकली इजमाली नंबर 6। या अय्युहर रुसुल, ए पैगंबरो, ए रसूलो, कुलु मिनत तय्यिबाति, तुम पाकीज़ा चीज़ें खाओ, वअमलु सालिहा, और नेक अमाल करो। और क्या करो? और नेक अमाल करो। तो एक बुज़ुर्ग बयान फरमा रहे थे बड़ी अच्छी बात की, कहा देखें अल्लाह पाक ने कुलू मिनत तय्यिबात को मुकद्दम किया। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमा रहे अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छे अच्छे आमाल करो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ और अच्छे अच्छे। तो फरमाया खाने की ममानात नहीं है, इंसान अच्छी चीज़ खाए, जब अच्छी चीज़ें खाएगा तो नेक आमाल की तौफीक मिल जाएगी इसको। कुलू मिनत तय्यिबाति, खाओ पाकीज़ा चीज़ें, वअमलु सालिहा, नेक आमाल करो, इन्नी बिमा तामलून आलीम, बेशक जो कुछ तुम करते हो मैं उससे अलीमुन बाखबर हूँ। व इन्ना ज़ी उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा। लिखे समराए दलाइल, समराए जितने दलाइल नकलिया अकलिया इजमालिया तफसीलिया जितने भी बयान हुए इनका समरा क्या है? फरमाए व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम, और बेशक ये हाज़िही के नीचे लिखें मिल्लत इस्लाम, मिल्लत, ये जो इस्लाम की मिल्लत है, तरीक़ा है, उम्मतुकुम उम्मतं वाहिदा, ये तुम्हारी एक ही जमात है, ये तुम्हारी क्या है? एक ही जमात है। उम्मत हुकुम के दो तर्जुमे हैं दोस्तों, एक तर्जुमा ये कि उम्मत से मुराद है जमात, और एक तर्जुमा है कि इससे मुराद है तरीक़ा। ये जो मिल्लत इस्लामी है ये तुम्हारा सबका एक ही तरीक़ा है, यानि तमाम अंबिया का, समझ गए? या तर्जुमा ये करेंगे कि ये जो मिल्लत इस्लामी है ये तुम सबकी एक ही जमात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सही है। वान रब्बुकुम फत्तकून। लिख के हासिल तरीक, हासिल तरीक, इस रास्ते का हासिल क्या है, मिल्लत इस्लाम का खुलासा क्या है? फरमाए वान रब्बुकुम, और मैं तुम सब का रब हूँ, फत्तकून, लिहाजा मुझ ही से डरो। फतकत्तअु अमरहुम बैनहुम ज़ुबरा। लिखे शिकवा व इज़ाला शुबह, काफिरों से शिकवा भी है और इजाला शुबह भी है। शुबह क्या है? शुबह यही है कि जब अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तरीक़ा एक ही है, ये जमात एक ही है, तो हमें तो ये नज़र नहीं आता, हर एक अपनी अपनी इबादतगाह में अलग बैठा हुआ है, तो ये तो इफ्तराक और इख्तिलाफ़ है। तो जब जमात एक थी तो इख्तिलाफ़ कैसे हो गया? अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये बाद वालों ने जमातों में बटकर इख्तिलाफात पैदा कर लिए, वरना असल में कोई इख्तिलाफ नहीं था। बात समझ गए? फरमाया फतकत्तअु अमरहुम बैनहुम, उन्होंने क्या किया? तकत्तअु, इख्तिलाफ कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, इख्तिलाफ कर दिया या टुकड़े टुकड़े कर दिया। अमरहुम, अमरहुम के नीचे लिखें अमरा दीनहिम, अमरा अपने दीन के मामले में, बैनहुम आपस में किस तरह इख्तिलाफ कर दिया? ज़ुबरा, मुख्तलिफ ग्रोह बनकर, मुख्तलिफ ग्रोह बनकर क्या कर दिया? इख्तिलाफ कर दिया। तो असल में असल बुनियाद जो होती है उसमें इत्तेहाद होता है, एक अमीर की इताअत होती है, सब उसमें मुत्तफिक होते हैं, लेकिन बाद में किसी के दिल में शैतान किसी के दिल में डाल देता है और वह कहता है नहीं जी मैं तो अपनी एक राय रखता हूँ, मैं तो अपनी एक सोच रखता हूँ। इसलिए हदीस पाक में मना किया गया कि कभी इज्तिमाईयत के अंदर से अपने आप को मत निकालो वरना शाज हो जाओगे, और जो शाज हुआ वो शाज करके जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा।
तो इसलिए कभी इंसान इज्तिमाईयत के रास्ते से अलग ना हो। हमारे अकाबिर की ज़िंदगियों को आप देखें, बावजूद इसके कि वो ख़ुद इल्म के पहाड़ थे, इल्म के समंदर थे, और कितने ही मकामात में मसाइल में हज़रत गंगोही ने, हज़रत नानोतवी ने, हज़रत थानवी ने और इन हज़रात ने अपनी एक इल्मी राय कायम की, हज़रत कश्मीरी ने, लेकिन उसके बावजूद हमेशा किस पर रहे? फ़िक़्ह हनफ़ी पर रहे, उससे नहीं निकले, उस पर अपने आप को मुत्तफ़िक़ करके रखा कि कई उम्मत के अंदर इंतशार पैदा ना हो जाए। तो आज ये फितना बहुत ज़्यादा है, हर आदमी जो है वो अपने लिए एक गट बन जाता है, गट जानते हैं ना, बड़ा बन जाता है, और वो कहता है जी मैं भी कुछ हूँ। तो जो बड़ों की कुर्बानियाँ होती है और जो अमीर की कुर्बानियाँ और मेहनतें होती है, उसको पसे पुश डालकर अपने लिए एक तरतीब कायम कर देता है। तो याद रखें, जो अमीर अव्वल हो, अमीर बुनियादी हो, वो असल होता है। चाहे उसकी कोई बाज़ बातें ऐसी हो जो मुझे समझ नहीं आ रही हो, उससे इख्तिलाफ़ हो, लेकिन कभी इज्तिमाईयत के अंदर से अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, फरमाया हर तबका अपने तरीक़े पे खुश हो रहा है। हिज़्बिन के नीचे लिखे हर तबका, बिमा लदैहिम माँ के नीचे लिखे मज़हब या सोच, हर तबका अपने मज़हब और अपनी सोच पर क्या हो रहा है? खुश हो रहा है। समझ गए? ये ज़ौक़ की तरफ इशारा है दोस्तों, ज़ौक़ अज़्वाक़ होते हैं। और याद रखें कि ज़ौक़ कभी भी इंसान दूसरे पे मुसल्लत नहीं कर सकता है, इंसान अपने ज़ौक़ को अपनी ज़ात तक महदूद रखता है। तो अल्लाह ने फरमाया फ़ज़रहुम फ़ी ग़मरतिहिम, छोड़ दो इनको इनके नशे में, ज़रहुम छोड़ दो इनको, फ़ी ग़मरतिहिम इनके नशे, इस नशे में इनको ज़रा छोड़ दो, हत्ता हीन इन एक वक्त तक, हीन इन के नीचे लिख के मौत, क्या लिखेंगे? मौत, छोड़ दो। अयहसबूना, इन्होंने क्या गुमान कर रखा है कि अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिव व बनीन, कि हम इनके लिए बढ़ाते रहेंगे माल को और औलाद को। नुमिद्दुहुम, नुमिद्दु के दो तर्जुमे हैं दोस्तों, अमद्द युमिद्दु, एक तर्जुमा इसका होता है बढ़ाना, इजाफा करना, एक तर्जुमा होता है तरक्की देना। तो काफिर अल्लाह की सारी नाफरमानियां करके और फिर यह भी उम्मीद रखता है कि जी माल भी मेरा होगा, औलाद भी मेरी होगी, दुनिया भी मेरी होगी, ये सब कुछ मेरा होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया अयहसबूना, ये क्या गुमान करते हैं कि हम इनको तरक्की देते रहेंगे इनकी माल में व बनीना और बेटों में, नुसारिउ लहुम फिल खैराते, और हम जल्दी जल्दी इनको देते रहेंगे, फिल खैराते इनका फ़ायदा, इनका फ़ायदा। एक तर्जुमा है कि हम जल्दी देते रहेंगे इनको, फिल खैराते इनकी खूबियाँ, इनकी खूबियाँ। बल्ला यशुरून, बल्कि हकीकत ये है कि वो शुरूर यानि समझ नहीं रखते, वो समझ नहीं रखते। तो काफिर को जब दुनिया मिलने लगती है ना, काफिर को, बावजूद इसके कि वो बुत परस्ती भी कर रहा है, वो जुल्म भी कर रहा है, फसाद भी फैला रहा है, लेकिन जब उस पर दुनिया खुलती है तो वो क्या समझता है कि शायद ये अल्लाह पाक मुझको अपनी नेमतों से मालामाल कर रहे हैं। वो मालामाल नहीं हो रहा होता है, वो मालामाल नहीं हो रहा होता है, जल्द उसका चेहरा लाल हो रहा होता है फिर उसके कुछ अरसे के बाद। ये तो अल्लाह पाक का इंतज़ाम है। इन्नल्लज़ीना मिन खशियत रब्बिहिम मुशफिकून, लिखे मुसारिईन फिल खैरात के औसाफ, मुसारिईन फिल खैरात के, जो लोग नेकियों में सबकत करते हैं, जल्दी करते हैं, उनके औसाफ क्या हैं? फरमाया इन्नल्लज़ीना, बेशक ये वो लोग हैं, हुम मिन खशियत रब्बिहिम, लिखे सिफत नंबर एक, जो अपनी रब की हैबत से डरते हैं। खशियत का तर्जुमा क्या लिखेंगे? हैबत,
ये वो लोग हैं जो अपने रब की हैबत से डरते हैं, पहली सिफत इनकी है। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, सिफत नंबर दो, ये अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून, सिफत नंबर तीन, ये लोग अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते। वल्लज़ीना युतूना मा आतौ, सिफत नंबर चार, और बेशक ये लोग दे देते हैं। ये लोग क्या करते हैं? दे देते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में दे देते हैं। मा आतौ, जो कुछ वो दे देते हैं, जो कुछ वो दे देते हैं, उसकी फिर वापसी की उम्मीद नहीं रखते या उसके लिए कोई तरतीब नहीं बनाते। जो दे दिया वो दे देते हैं अल्लाह के रास्ते में। वक़ुलूबुहुम वजिलतुन, वाव के नीचे लिखे हालिया, इस हाल में कि उनके दिल वजिलतुन क्या होते हैं, खौफज़दा, डरे हुए होते हैं। कि अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, के बेशक उन्हें तो अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। ये सब उमूर खैर करके भी इन पर एक खौफ गालिब होता है। उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, यही लोग हैं, युसारिऊना जो जल्दी कर रहे हैं, फिल खैरात, नेकी के कामों में, वहुम लहा साबिकून, और यही लोग हैं जो नेकियों के लिए साबिकूना दौड़ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लिखे शफ़क़त खुदावंदी, शफ़क़त, हमने किसी नफ्स को मुकल्लफ नहीं बनाया, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी ताकत के बकदर, किसी पर उसके हैसियत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते हम लोग। वलदैना किताबुन, और हमारे पास एक किताब है, किताबुन के नीचे लिखे नामा आमाल, हर बंदे का नामा आमाल हमारे पास है। यंतिकु बिलहक़, जो बिल्कुल ठीक ठीक बयान करता है। वहुम ला युज़लमून, और इन लोगों पे जुल्म नहीं किया जाएगा। बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़ा, लिखे ज़जर, ज़जर, बल्कि इन लोगों के दिल, क़ुलूबुहुम, हम से मुराद यानी कुफार, इन काफिरों के दिल, फ़ी ग़मरतिन, किस में पड़े हुए हैं? जहालत में, जहालत में है, महरूमी में पड़े हुए हैं। किस चीज़ से? मिन हाज़ा, इस क़ुरान से, इस क़ुरान से महरूमी में है। वलहुम आमालुम मिन दूनि ज़ालिका, और इनके लिए इसके अलावा भी और आमाल है। ज़ालिका के नीचे लिखे जहालत, इस जहालत के अलावा भी इनके और बहुत सारे काम हैं। यानी अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि इनका कसूर सिर्फ एक नहीं है कि क़ुरान करीम से अपने आप को लाइल्म रखा हुआ है। बात समझ रहे हैं दोस्तों? इनका कसूर सिर्फ इतना नहीं कि अपने आप को क़ुरान से लाइल्म रखा हुआ है, बल्कि वलहुम आमालुम मिन दूनि ज़ालिका, इनके इसके अलावा भी और बहुत सारे करतूत है, काम है। हुम लहा आमिलून, जिसको ये अदा करते हैं। बात समझ गए? जिसको ये क्या करते हैं? अदा करते हैं। हत्ता इज़ा खज़ना मुतरफ़ीहिम, लिखे तख़वीफ़ दारैन, तख़वीफ़ दारैन, दारैन किसको कहते हैं? दोनों जहां, यानी दुनिया भी और आखिर। अल्लाह पाक ने दुनिया का भी डरावा पेश किया, आखिरत का भी, फरमाए यहाँ तक के, हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा खज़ना मुतरफ़ीहिम बिल अज़ाब, जब हम पकड़ेंगे इनके खुशहाल लोगों को। मुतरफ़ीहिम से मुराद क्या है? खुशहाल लोग, इसलिए कि ज़्यादातर जो नालायकी और नाफरमानी होती है वो खुशहाल तबके से उठती है। जब हम इनके खुशहाल लोगों को पकड़ेंगे, बिल अज़ाब, अज़ाब में, इज़ा हुम यजअरून, तो वो चिल्ला उठेंगे। क्या उठेंगे? तो वो चिल्ला उठेंगे। ला तजअरुल यौम, इससे पहले महजूफ निकाले, युकालु लहुम, युकालु, इनसे कहा जाएगा ला तजअरुल यौम, आज मत चिल्लाओ, इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, बेशक तुम्हें मुझसे कोई नहीं छोड़ा सकेगा। ला तुनसरून, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छोड़ा सकेगा। ये तर्जुमा हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, और आम तर्जुमा ये है कि बेशक मेरे मुकाबले में तुम्हारी मदद अब नहीं की जा सकती।
قد كانت آياتي لك سبب عذاب، یہ عذاب ان پہ کیوں آئے گا؟ فرمایا تحقیق کے ہماری جو آیتیں تھی، ہماری جو آیتیں تھی قرآن کریم کی، تتلا علیکم، وہ تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، لیکن تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے، تنکسون پھر جانا، مڑ جانا، اپنی ایڑیوں کے بل پر پھر جاتے تھے، مستکبرین بھی، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ تکبر کرتے ہوئے، بھی ہی ضمیر کے نیچے لکھے قرآن کریم، کیا لکھیں گے؟ قرآن کریم، بھی سامرن تہجرون، اور اس کو قصہ بنا کر تہجرون چھوڑ جاتے تھے، قصہ بنا کر کیا کرتے تھے؟ چھوڑ جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب اس جگہ کا یہ ہے، اس کے دو مطلب ہے دوستو، سامرن تہجرون کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ سامرن کا مطلب ہے قصہ کہانی، تم قرآن کریم کو قصہ کہانی سمجھ کر تہجرون چھوڑ کے چلے جاتے، بھائی یہ تو قصے کہانیاں بیان ہو رہی ہے، بھائی اس کا کیا فائدہ، یہ تو قصے ہیں، تو اس کو قصے کہانی سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ سمجھ میں آ گئے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ بہی کی ضمیر کو حضور علیہ السلام کی طرف لوٹائیں، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ میرے پیغمبر کو قصہ گو سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، میرے پیغمبر کو کیا سمجھتے تھے؟ قصہ گو، کہ یہ تو قصے سنا رہا ہے، یہ تو کہانیاں سنا رہا ہے، یہ سمجھ کر کیا کرتے تھے؟ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ افلم یدبر القول لکے ارتفاع موانع خمسہ، ارتفاع موانع خمسہ، موانع کہتے ہیں کس چیز کو؟ مانع کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ پانچ باتیں ایسی تھیں جس کی بنیاد پر یہ لوگ اس قرآن کریم کو اور اللہ کے پیغمبر کو قبول کرنے میں ہچکچا رہے تھے، اللہ پاک نے ان پانچوں موانع کا ارتفاع کیا، اس کو ختم کر دیا، بات سمجھ گئے؟ تو ارتفاع کس کو کہتے ہیں؟ اٹھا دینا، ختم کرنا، موانع کہتے ہیں رکاوٹ کو، اور خمسہ کہتے ہیں پانچ کو۔ جو پانچ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی، اللہ پاک نے ان پانچوں کا جواب دیا۔ افلم یدبر القول لکھے، نمبر ایک، اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ القول، قول کے نیچے لکھے قرآن کریم، کیا لکھا؟ قرآن کریم۔ بھائی انسان کے پاس ایک چیز آئی کہ آپ اس کو دیکھ لیں، اور میں نے اس کو دیکھا نہیں اور کہا نہیں بھائی نہیں نہیں نہیں، تو یہ تو آنکھیں چرانے والی بات ہو گئی نا۔ ایک چیز سے انکار کرنا، اس کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انسان کہے میں نے دیکھا، مجھے تو اس میں کوئی کام کی بات ہی نہیں ملی، صحیح ہے نا؟ اور ایک آدمی نے اس کو کھولا ہی نہیں ہے اور سیدھا انکار کر رہا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کیا انہوں نے اس قرآن میں کبھی غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، تدبر کی آنکھ سے اس کو پڑھا ہے؟ ایک، ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، لیکن رفع نمبر دو، رفع مانع نمبر دو، یا یہ کہ ان کے پاس ایسی چیز آ گئی جو ان کے پچھلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی، ان کے پاس ایسی چیز آ گئی جو ان کے پچھلے باپ داداؤں کے پاس، بالکل ایک اجنبی چیز پہلی دفعہ آ جائے تو انسان گھبراتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ایسا نہیں تھا، پہلے تورات آ چکی تھی، انجیل آ چکی تھی، زبور آ چکی تھی، اور اس کے تذکرے ان کی زبانوں پر بھی تھے، تو ایک آسمانی کتابوں کا سلسلہ تو چلا تھا، اسی سلسلے کی ایک کتاب کا دعویٰ کیا گیا، بالکل اجنبی بات تو نہیں ہے، بات سمجھ گئے؟ تو پھر کیوں کہہ رہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے؟ ام لم یعرفوا رسولہم، رفع مانع نمبر تین، رفع مانع نمبر
या इन्होंने नहीं पहचाना अपने रसूल को, फहुम लहू मुनकिरून, इस वजह से ये उसका इनकार कर रहे हैं, इन्होंने पहचाना नहीं। क्या नहीं किया? पहचाना नहीं। तो बाज़ दफ़ा इंसान अजनबियत की वजह से इनकार करता है, ये मैं तो आपसे पहले मिला नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं आप कहाँ होते हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ यहाँ तो ऐसा नहीं था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 40 साल इनमें गुजारे, कितने साल, 40 साल गुजारे, आपका ख़ानदान इनके सामने था, सब चीज़ें उनके सामने थी, आपकी सिद्क़ व अमानत और दियानत, तक़वा तहारत इनके सामने था, तो कोई अजनबियत तो नहीं थी आप अलैहिस्सलाम से। समझ में आ गए? अम यकुलून बिही जिन्ना, रफ़ मानिअ नंबर 4, या ये लोग कह रहे हैं कि इनको क्या है, जुनून है। क्या है? जुनून। कहते थे कि भाई ये तो हमें मजनून लगता है, तो अल्लाह पाक ने इंसान को अकल दी है कि तंदुरुस्त और मजनून का फ़र्क कर सकता है, नहीं कर सकता, फ़र्क तो कर सकता है ना भाई। एक आदमी आए और वो पानी का गिलास भरे और बैठ कर के स्टूल पर या ज़मीन पर तसल्ली से क़िबला रुख होकर पानी पिए, और दूसरा ये कि वो पानी का गिलास भरे और फिर उसको बिल्कुल उल्टा कर दे, ओ हो पानी नीचे गिर गया, तो दोनों में से कौन मजनून लग रहा है? पहला वाला ना, हाँ दूसरा वाला। बास चीज़ें तो अकल फैसला करती है। तो वो शख्सियत और वो हस्ती जिनके 40 साल गुजरे और कितने तकवा और तहारत में गुजरे, आज तक उनको कुछ नहीं कहा, अपनी अमानतें उनके पास रखी, उन पर एतमाद किया, लेकिन जब उन्होंने नबूवत का दावा किया तो कहा नहीं ये तो मजनून है। तो मजनून होने की तो कोई वजह और दलील नहीं है तुम्हारे पास। अम यकुलून बिही जिन्ना, या ये लोग कहते हैं कि इसको जुनून है, बल जा अहुम बिल हक़, बल्कि हकीकत ये है कि वो हक बात लेके आए हैं, वह अक्सरहुम लिल हक़ कारिहून, और इनमें से ज़्यादातर लोग हक बात को कारी होना नापसंद करते हैं, वलव इत्तबअल हक़ वअहवाअहुम, अगर हक इनके ख्वाहिशात की पैरवी कर ले, अगर हक क्या कर ले, इनके ख्वाहिशात की, ये कहते थे भाई हमारी फ़लाँ बात क्यों नहीं मानी गई, हमारा फ़लाँ फरमाइशी मौजज़ा क्यों नहीं दिखाया गया, मकसद ये कि हक हमारी इत्तबा में आ जाए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अगर हक, हक यानि दीन इस्लाम, अगर वो इत्तबा कर ले अहवाअहुम, इन काफिरों की ख्वाहिशात की, तो लफसदत समावात वल अर्ज वमन फीहिन्ना, तो आसमान व ज़मीन में फसाद मच जाए, वमन फीहिन्ना, और जो कुछ इन आसमान व ज़मीन में है उसमें भी फसाद हो जाएगा, फसाद फैल जाएगा। बल अतैना हुम बिज़िक्रिहिम, बल्कि हकीकत यह है कि हम लाए हैं इनके पास, अतैना हुम का क्या तर्जुमा है, हम लाए हैं इनके पास, बिज़िक्रिहिम, इनकी नसीहत, इनकी नसीहत के साथ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कुरान। वो नसीहत क्या है, कुरान है, लेकिन फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिज़ून, ये अपनी उस नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। अम तसअलुहुम खर्जन, लिखे रफ़ मानिअ नंबर 5, या आपने उनसे मुतालबा किया है खर्जन, मुआवजे का। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक आदमी आए कोई बात कहे और आखिर में कहेंगे चले भाई साथी हिम्मत कर ले, तआवुन फरमा ले, तो सारे बयान का तो खरिया खरम हो जाता है ना, ख़त्म हो गया। तो अगर इन लोगों पर ये बात बोझ बन गई कि भाई ये तो हमसे चंदा मांग रहा है, हमसे पैसे मांग रहा है, मुआवजा मांग रहा है, तो ऐसी कोई बात हुई है कि अल्लाह के पैगंबर ने तुमसे माल मांगा हो, फरमाया अम तसअलुहुम खर्जा, क्या आप इनसे मुआवजा मांगते हैं, समझ गए, फ़खराजु रब्बिक खैर, तो आपके रब की तरफ से जो मुआवजा है खैरुन, वो ज़्यादा बेहतर, इनके पास क्या है, वह हुआ खैरुर राज़िक़ीन, वही सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, वइन्नक लतदउहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, और बेशक आप इनको दावत देने वाले हैं सीधे रास्ते की, वइन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति, लिखें खुलासा हालत मुशरिकीन, खुलासा हालत मुशरिकीन,
और बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, अनिस सिराते, वो सीधे रास्ते से, सिरात के नीचे लिखें, वो सीधे रास्ते से, लना की बूना, फिरने वाले हैं, मुड़ने वाले हैं या फिरने वाले हैं, वाले वो रहम ना हम, लिखे बयाने इनाद, बयाने इनाद। अगर हम इन लोगों पर रहम कर लें, काफिरों की बात हो रही है, यानी बावजूद इतनी सरकशी और नाफरमानी के अल्लाह पाक फरमा रहे, अगर फिर भी हम इनके साथ मेहरबानी का मामला कर लें, वकशफनामा बिहिम मिन ज़ुर्रिन, और दूर कर दें उनसे वो चीज़, मिन ज़ुर्रिन, जिस तकलीफ़ में ये मुब्तला है, जिस तकलीफ़ में ये क़हत साली वगैरह इन पर आ जाती थी कभी, तो अल्लाह ने फरमाया अगर हम इनसे इनकी तकलीफ़ को दूर कर लें तो क्या होगा, ललज्जू फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, डट जाएंगे अपनी सरकशी में, या महून, सरगर्दा फिरते हुए, हड हराम है, एहसान फरामोश लोग हैं, ये एहसान मंद नहीं है। जो ज़ात इन पर एहसान करेगी, इनकी तकलीफ़ को दूर करेगी, बजाय उसकी तरफ आने के क्या करेंगे, ललज्जोफ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, अपनी सरकशी में और डट जाएंगे, या महून, सरगर्दा फिरते हुए। बात समझ गए, सरगर्दा के माने आते हैं पागलों की तरह घूमना। वलकद अखज़नाहुम बिलअज़ाब, लिखे बयान शाहिद, बयान शाहिद। अच्छा, अब एक सवाल है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम अगर इन पर मेहरबानी करें तो ये क्या हो जाएंगे जी, सरकशी में और आगे चले जाएंगे, तो इस बात की कोई दलील होनी चाहिए। इंसान कहते हैं ना, भाई इसके साथ अच्छा करने में खैर नहीं है, तो उसी वक्त कहेगा कि जब पहले कुछ भुगत चुका हो। तो सवाल ये है कि अल्लाह पाक ने इतनी नाराज़गी क्यों फरमाई, फरमाया बयान शाहिद, इसलिए कि गवाह और दलील मौजूद है हमारे पास, वो क्या है कि वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाब, और तहकीक हमने इनको पकड़ा था एक तकलीफ़ के साथ, अजाब के नीचे लिखें अजाब आदिया, अजाब आदिया, अजाब आदिया का मतलब दुनिया की तकलीफ़ है। तो अल्लाह ने फरमाया हमने इनको दुनिया की तकलीफ़ में पकड़ा। अब जाहिर सी बात है कि इंसान पर कोई तकलीफ़ आ जाए तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ जाना चाहिए ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, फमस्तकानु लिरब्बिहिम, न अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार की, वमा यतज़र्रऊन, और न गिड़गिड़ाए, न आजिज़ी इख्तियार की और न गिड़गिड़ाए, हत्ता इज़ा फतहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन, यहाँ तक के जब हम इन पर खोलेंगे दरवाज़ा, ज़ा अज़ाबिन शदीदिन, सख्त अज़ाब का, कौन से अज़ाब का, अज़ाबिन शदीदिन के लिए लिखें अज़ाब मा फ़ौक़ल आदा, अज़ाब मा फ़ौक, जो आदत से ऊपर का, जो छोटी मोटी पकड़ नहीं, जो ऐसा अज़ाब जो सिर्फ़ अल्लाह के इख्तियार में। फरमाया जब उस अज़ाब का दरवाज़ा खोलेंगे, इज़ाहुम फ़ीहि मुबलिसून, तो ये लोग उस वक्त नाउमीद होकर रह जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नाउमीद होकर रह जाएंगे। वहुवल्लज़ी अंशा लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़ईदा, हाशिए पे लिखे सूरत के दूसरे हिस्से की इब्तिदा, सूरत के दूसरे हिस्से की इब्तिदा, वहुवल्लज़ी अंशा लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़ईदा, लिखे उनवान दलील अक्ली नंबर एक, दलील अक्ली नंबर एक, वही ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया अस्समअ, कानों को, वल अबसारा आँखों को, वल अफ़ईदा दिल को, समझ में आ गए, जिसने तुम्हें अता की अस्समअ सुनवाई, वल अबसारा और बीनाई, वल अफ़ईदा और दिल, ये सब अल्लाह ने दिए। क़लीलम्मा तशकुरून, किस कदर कम शुक्र तुम अदा करते हो। वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़, वही ज़ात है जिसने तुम्हें फैला दिया ज़मीन में, ज़रा के माने फैला देना, जिसने तुम्हें फैला दिया ज़मीन में, वइलैहि तुहशरून, उसी की तरफ तुम सब के सब जमा किए जाओगे, व
وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهِي ذات ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے وَلَوْ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کو اختلاف تبدیل کرنا اسی کے اختیار میں افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بل قالوا لکھے شکوہ مشرکین بلکہ کیا ہوا قالوا مثل ما قال الاولون ان لوگوں نے بھی وہی بات کی جو ان سے پہلوں نے کی تھی مشرکین مکہ جو تھے نا انہوں نے بھی وہی جواب دیا من وعن وہ بات کی جو ان سے پہلے مشرکوں نے کافروں نے کی تھی کس طرح قالو کہنے لگے اذا متنا جب ہم مر جائیں گے وکنا ترابا وعظاما اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں آئنا لمبعوثون کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل تحقیق کہ یہ وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے اس سے پہلے سے کیا گیا بھائی یہ بات تو تمام پیغمبر آ کر ہمارے بڑوں کو بھی کہتے رہے کہ بھئی یہ قیامت آئے گی عذاب آئے گا قیامت آئے گی عذاب آئے گا تو یہ وعدے تو ہم سے بھی کیے گئے ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی کیے گئے کہاں ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین یہ سب کچھ محض بے سند باتیں ہیں اساطیر کے نیچے لکھیں بے سند باتیں ہیں الاولین پچھلوں کی یعنی اس کو ایک حالات کا تسلسل کہا یہ وہی باتیں جو پہلے ہوئی اب بھی ہو رہی ہے یعنی قیامت اور عذاب کچھ بھی نہیں قل لمن الارض لکھیں دلیل عقلی اعترافی نمبر دو دلیل عقلی اعترافی نمبر دو اب یہ کافروں سے خود ایک اعتراف کروایا جائے گا قل آپ پوچھئے کہہ دیجئے لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون زمین کس کی ہے یعنی کس نے بنائی ومن فیہا اور جو کچھ اس زمین پہ ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو ان کافروں سے پوچھ لیا جائے کہ زمین اور زمین کی ساری چیزیں کس نے بنائی سیقولون للہ تو یقیناً یہ لوگ جواب میں کہیں گے للہ یہ سب کس کا ہے یہ اللہ کا ہے قل آپ کہہ دیجئے افلا تذکرون تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے جب اس کائنات کا خالق اللہ کو مانتے ہو تو اس کی الوہیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے قل آپ کہہ دیجئے لکھے دلیل عقلی اعترافی نمبر تین قل آپ کہہ دیجئے من رب السماوات السبع کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا رب کون ہے سیقولون للہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے قل آپ کہہ دیجئے افلا تتقون تم ڈرتے کیوں نہیں قل من بیدہ ملکوت دلیل عقلی اعترافی نمبر چار نمبر چار آپ کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء کس کے ہاتھ میں ہے اختیارات ہر چیز کے ملکوت کا ترجمہ لکھے اختیارات کس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ہر چیز کے وہو یجیر ولا یجار علیہ اور وہی ذات پناہ دیتا ہے وہی ذات پناہ دیتا ہے ولا یجار علیہ اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو سیقولون للہ تو عن قریب یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی کا ہے قل آپ کہہ دیجئے فانا تسحرون کیسے دیوانے ہو رہے ہو کیسے دیوانے ہو رہے ہو کیوں پاگل بن رہے ہو بل اتیناہم بالحق لکے زجر بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لے کر آئے ہیں ان کے پاس بالحق حق بات کو حق لے کے آئے ہیں لیکن وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک یہ اس کو جھٹلاتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ لکھیں بیان توحید نہیں بنائی اللہ پاک نے اولاد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے معہو کے نیچے ہو کے نیچے لکھیں اللہ لفظ اللہ اور نہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اذن
लज़हबा, लिखे दलील आदि, दलील आदि, इज़न लज़हबा, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, क्या मतलब कैसा होता, यानी अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी इस दुनिया में शरीक होता, अगर ऐसा होता तो लज़हबा कुल्लु इलाहिम बिमा खलका, तो हर माबूद तकसीम कर लेता अपनी मखलूक को कि भाई ये तो मैंने पैदा किए, ये मेरे वाले, दूसरा माबूद कहता जी ये तो मैंने पैदा किए, ये मेरे वाले, है ना, फिर तो तकसीम कर लेता हर एक अपनी मखलूक को, और फिर वला बाज़ुहुम अला बाज़, और फिर आपस में एक दूसरे पर चढ़ाई कर लेते, क्या कर लेते, चढ़ाई कर लेते। ये तो दुनिया में तसव्वुर नहीं है कि भाई कुर्सी एक हो और आदमी दो हो, जहाँ दो उम्मीदवार पैदा होंगे तो आपस में हाथापाई है, फिर डंडा तिपाई है ना, तो जहाँ दो दावेदार हैं तो फिर तो वहाँ पे मुक्के चलते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इस कायनात के निज़ाम को इतना महफूज बनाया हुआ है, इसकी इसका मतलब ये है कोई और इस माबूदियत में अल्लाह के साथ शरीक नहीं है। सुबहानअल्लाह, पाक है अल्लाह की ज़ात, अम्मा उन बातों से, यसिफूना जो ये बयान करते हैं, आलिमिल ग़ैब वश्शहादा वो जानने वाला है पोशीदा को भी और ज़ाहिर को भी, फ़तआला अम्मा युश्रिकून बुलंद वाला है उन चीज़ों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं, बुलंद वाला है अम्मा उन चीज़ों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं, قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ, लिखें तलकीन दुआ व तख़वीफ़ दुनियावी, तलकीन दुआ व तख़वीफ़ दुनियावी, قُلْ आप कह दीजिए कि रब्बी है मेरे रब, इम्मा तुरियन्नी, या तो आप मुझे दिखा दीजिए, माँ वो अज़ाब, यूअदून जिसका उनके लिए वादा किया जाता है, इन काफिरों के लिए जिस अज़ाब का वादा है, या तो आप मुझे इस दुनिया में ही वो दिखा दीजिए कि इन पर वो अज़ाब आ रहा है, रब्बि फला तजालनी फिल क़ौमि ज़ालिमीन, ए मेरे रब मुझे ज़ालिम कौम में शामिल मत फरमाइएगा, ज़ालिमों में शामिल मत फरमाइएगा, व इन्ना, अब अल्लाह पाक जवाब दे रहे हैं, जवाब खुदावंदी, व इन्ना के बाद क्या आएगा, महजूफ क्या आएगा, इन्ना के बाद लिखा है लकादिरूना, व इन्ना लकादिरूना, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं और बेशक हम कादिर हैं, आला इस बात पर कि अन्नुरियका, कि हम आपको दिखा दें, मा नईदुहुम जिसका हम उनसे क्या कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, हम इस पर क्या है, कादिर हैं, कुदरत रखने वाले, इसी दुनिया में हम आपको दिखा दें कि उन पर अजाब आ रहा है, इदफा बिल्लती, लिखे तरीक़े तबलीग, तरीक़े तबलीग, इन काफिरों को तबलीग का तरीक़ा और अंदाज़ क्या है, फरमाया इदफा बिल्लती ही अहसनु सय्या, आप दूर कीजिए बुराई को अच्छे अंदाज से, सय्या किसको कहते हैं, बुराई को, और अहसन किसको कहते हैं, अच्छे अंदाज को, बुराई को अच्छे अंदाज से दूर कीजिए, नहनु आलमु बिमा यसिफून, हम खूब जानते हैं जो कुछ ये बोलते हैं, जो कुछ ये, यसिफून के नीचे लिखें आपके हक में, आपके हक में जो ये काफिर बोलते हैं हम जानते हैं, वक़ुर रब्बि अऊज़ु बिका, लिखें इलाज गुस्सा, इलाज गुस्सा, आप कह दीजिए ए मेरे रब अऊज़ु बिका, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, मिन हमज़ात शयातीन, शयातीन के वसवसों से, हमज़ात का तर्जुमा लिखें वसाविस, क्या लिखें, वसाविस, शैतान के वसाविस से पनाह मांगता हूँ, वाऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून, और मैं आपकी पनाह मांगता हूँ ए मेरे रब, अन यहज़ुरून के शैतान मेरे, शैतान मेरे पास आ जाए, यानी जिन्नात, जिन्नात मेरे पास हाजिर हो जाए, शैतान मेरे पास हाजिर हो जाए, मैं उससे आपकी क्या मांगता हूँ, पनाह मांगता हूँ, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत,
لکھیں کافروں کا انجام برزخی, کافروں کا انجام, یہاں تک کہ جب ان کے پاس ان کی موت کا وقت آئے گا, قال تو کہیں گے رب ارجعون, اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے. ارجعون کے نیچے لکھے الی الدنیا, مجھے کہاں لوٹا دیجئے, دنیا کی طرف. کیوں, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ میں وہ نیک اعمال کر لوں, فیما اس دنیا میں, ترکت جسے میں چھوڑ آیا, تاکہ میں نیک اعمال کر لوں, فیما کہاں پر, اس دنیا میں, ترکت جسے میں چھوڑ آیا. کلا کا تعلق آگے سے ہے دوستوں, پیچھے اللہ فرمائیں گے کلا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, اب واپس نہیں جا سکتے ہو. انہا کلمتن ہوا قائلہا, یہ تو ایک بات تھی جو اس نے کہہ دی, کہنے کے تو پیسے نہیں ہیں, ایک بات تھی جو ان کی زبان سے نکل گئی کہ جی ہمیں واپس بھیج دیں, اب واپس نہیں جانا ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ, ان کے آگے تو ایک برزخ ہے, برزخ یعنی ایک پردہ, کیا ہے, ایک پردہ ہے, کب تک, الی یوم یبعثون, اس دن تک جب انہیں اٹھایا جائے گا. تو مرنے کے بعد سے بعث کے دن تک یہ کس عالم میں ہوگا, عالم برزخ کے اندر ہوگا. فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ, لکھے انجام اخروی, جب سور پھونکا جائے گا, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ, کوئی رشتے ناتے نہیں ہوں گے, يَوْمَئِذٍ اس دن, انصاب کا ترجمہ لکھے رشتے ناتے, کوئی رشتے ناتے اس دن نہیں ہوں گے, وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, اور نہ کوئی پوچھ پاچھ ہوگی, نہ کوئی پوچھ پاچھ ہوگی, آسان ترجمہ ہے وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, نہ کوئی کسی کو پوچھے گا, نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, لکھے انجام مؤمنین, انجام, پس جس کے اعمال بھاری ہوں گے, موازین کے دو ترجمے, اعمال یا پلڑے, پلڑے جانتے, جس کے اعمال بھاری ہوں گے یا پلڑے بھاری ہوں گے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, لکھیں انجام کفار, اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے یا پلڑے ہلکے ہوں گے, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا, فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ, جلا دے گی ان کے چہروں کو آگ, تلفحو جلا دے گی یا جھلس دے گی, کیا کرے گی, جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ, وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ, اور وہ اس جہنم میں بد شکل ہوں گے. کالحون کا کیا ترجمہ ہے, بد شکل ہوں گے. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ, اس سے پہلے يُقَالُ لَهُمْ نکالے, يُقَالُ لَهُمْ, ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی, تتلا علیکم, جو تمہارے سامنے تلاوت کی گئی, فکنتم بہا تکذبون, مگر یہ کہ تم اس کو جھٹلاتے تھے, کوئی ہماری آیتیں نہیں آتی تھی. قالو, لکھے اقرار جرم, اقرار جرم, یہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے ہمارے رب ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی, وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اور ہم گمراہ قوم تھے, گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا, لکھے درخواست اخراج, درخواست اخراج, کہیں گے ہمارے رب ہمیں نکال دیجئے, منہا اس جہنم سے ہمیں نکال دیجئے, فَإِنْ عُدْنَا, اگر ہم دوبارہ لوٹ کر آئے, یعنی نافرمانی کی طرف, ہم نے اگر دوبارہ نافرمانی کی نا اب, تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو بے شک ہم ظلم کرنے والے ہوں گے. بات سمجھ گئے, تو دوستو اب تو اس سال وفاق کا امتحان نہیں دیا جا سکتا, تو گزر گیا, ایسا ہی ہے نا, تو اب تو وفاق کا وقت گزر چکا ہے. تو کہیں گے کہ اب اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم کیا ہیں,
ظلم کرنے والے ہیں. قال اخسؤوا فیہا, لکھے رد درخواست, رد درخواست, اللہ ان کی درخواست کو رد فرمائیں گے. فرمائیں گے اخسؤوا فیہا, جھک مارو یہیں پر. کیا مارو؟ جھک مارتے رہو. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا, پھٹکار لے کے پڑے رہو, پھٹکار لے کر پڑے رہو یہیں پہ. ولا تکلمون, اور ہم سے بات مت کرو, ہم سے باتیں مت کرو. انہ کان فریق من عبادی, لکھیں سبب عذاب. اب ان کو اللہ پاک جہنم کا یہ عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ فرمائے انہ کان فریق من عبادی, فرمائے بے شک ہمارے بندوں میں ایک طبقہ تھا. فریق کس کو کہتے ہیں؟ طبقہ. ہمارے بندوں میں ایک طبقہ تھا, یقولون, جو دنیا میں کہتا تھا. یقولون کے نیچے لکھیں فی الدنیا. وہ طبقہ دنیا میں کیا کہتا تھا؟ ربنا آمنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. فاغفر لنا وارحمنا, ہمیں بخش دیجئے, ہم پہ رحم فرمائیے. وانت خیر الراحمین, آپ ہی سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں. ایک طبقہ ہمارا دنیا میں ایسا تھا جو ہم سے مانگتا تھا, لیکن فاتخذتموہم سخریا, تم کافروں نے کیا کیا تھا؟ ان کو مذاق کا نشانہ بنایا ہوا تھا. سخریا, مذاق کا نشانہ. اتنا آگے گئے تم لوگ کہ حتی انسوکم ذکری, کہ بھلوا دیا ان کے اس مشغلے نے تم کو میری یاد. بھلوا دیا ان کے مشغلے نے تم کو میری یاد. تم ان کے مذاق اڑانے میں اتنا لگے رہے کہ سارا وقت تم نے اسی میں گزار دیا, اور میری یاد کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں بچا. بات سمجھ گئے؟ بلوا دیا ان کے مشغلے نے, ان کا مشغلہ سمجھ گئے نا, جو تم ان کا مذاق اڑا رہے تھے, تم کو میری یاد. وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. انی جزیتہم الیوم, بے شک آج کے دن میں ان کو بدلہ دوں گا. ان کو, ان سے مراد وہ ایمان والے. بما صبروا, بسبب ان کے صبر کے. انہم ہم الفائزون, بے شک وہی لوگ کامیاب ہے. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین, لکھیں شدت ہول قیامت. شدت ہول, ہول کہتے ہیں ہولناکی کو. قال, کہا جائے گا, اب یہ اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے, فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, ان کافروں سے کہا جائے گا, کم لبستم فی الارض عدد سنین, تم کتنا رہے زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے. آخرت میں ان سے پوچھا جائے گا, اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کتنے سال گزارے ہوں گے. قالو, تو یہ کافر کہیں گے, لبسنا یومن او بعض یومن, ہم نے ایک دن گزارا یا دن کا کچھ حصہ. وہ ہولناکی اتنی بڑی ہوگی, ہم نے ایک دن گزارا یا دن کا کچھ حصہ. فاسأل العادین, پوچھ لو شمار کرنے والوں سے. عادین, شمار کرنے والے, لکھیں یعنی ملائکہ. کہیں گے جو فرشتے کھڑے نا, ان کے پاس بڑا حساب کتاب ہے, ہمیں بھی آج پتہ چلا, ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. تو یقیناً ان کے پاس پرانے کیلنڈر بھی پڑے ہوئے ہوں گے. ان سے پوچھ لے کہ ہم نے دنیا میں کتنے سال گزارے. قالا, لکھ کے فیصلہ خداوندی, فیصلہ, کہا جائے گا, الا بستم الا قلیلا, تم نہیں رہے دنیا میں مگر بہت تھوڑا تھوڑا رہے. لونکم کنتم تعلمون, کاش کہ یہ بات تم لوگ جان لیتے دنیا میں, دنیا میں جان لیتے. افحسب تم, لکھ کے زجر, زجر, تم نے کیا گمان کر رکھا تھا. انما خلقناکم عبسا, کہ کیا ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا. عبس کا کیا مطلب ہے؟ بے فائدہ, تمہارا یہ خیال تھا. وانکم الینا لا ترجعون, اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے, یہ خیال تھا. فتعال اللہ الملک الحق, لکھیں ثمرا جمیع دلائل, تمام دلائل کا اب نتیجہ اور ثمرا. بلند و بالا ہے اللہ کی ذات, الملک الحق, جو بادشاہ ہے برحق ہے.
ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। रब्बुल अर्शिल करीम, वही रब है इज्जत वाले अर्श का। करीम कहते हैं मुअज्जस को, इज्जत वाले अर्श का रब है। वमन यद्उ मअल्लाहि इलाहन आखर, लिखे तख्वीफ उखरवी। तख्वीफ, जो पुकारेगा अल्लाह के सिवा दूसरा अल्लाह के साथ दूसरे माबूद को, ला बुरहान लहू बिही, तो उसके बाद उसके पास कोई सनद नहीं या कोई दलील नहीं। बुरहान के दोनों तर्जुमे, न उसके पास कोई सनद है न कोई दलील है बिही इस बात पर। फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी, बेशक उसका मामला तो उसके रब के पास है, उसका मामला उसके रब। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक काफिर कामयाब नहीं हो सकते। वक़ुर रब्बि इग़फिर, लिखे तलकीन दुआ। तलकीन दुआ, कह दीजिए रब्बि इग़फिर, ए मेरे रब बख्श दीजिए। वरहम, और रहम फरमा दीजिए। वअंत खैरुर राहिमीन, और आप ही सबसे बेहतरीन रहम करने वाले हैं। ये सूरह मोमिनून अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। इंशाअल्लाह कल सूरतुन नूर शुरू करेंगे। आप हजरात वक्फा फरमा लें, चाय नाश्ता, चाश्त, वुजू सब फरमा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।